गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जैसा कि दो दिन प्रीवियस डेज से टेक्निकल इश्यूज के कारण आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से क्लास रेगुलरली आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में पैथन में ही चल के पास कीवर्ड एक होता है, वी कैन से दैट पास स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आपने प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा, चाहे वो इफ में रहा हो, चाहे लूप में हो, चाहे वो फंक्शन में हो। आप ये समझिए जहां इंडेंटेशन मार्क लगता है वहां पे बॉडी होना मस्ट होता है। तो इंडेंटेशन मार्क कहाँ कहाँ लगता है? जया जी बताइए, इंडेंटेशन मार्क आपने पैथन में कहाँ कहाँ लगा देखा अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल सही, इफ में, इल्स में और लूप में, चाहे वो वाइल हो चाहे वो फार हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फंक्शन में, जी हाँ, अभी तक आपने चार ऐसे प्लेसेस देखे हैं जहां पे हम लोग इंडेंटेशन मार्क मतलब कोलन सिंबल लगाते हैं। और अगर आप इंडेंटेशन मार्क लगाते हैं तो आपको रूल्स फॉलो होने चाहिए। आप फोर स्पेसेस इनसाइड ऑफ द प्लेसेस में रिटन टास्क परफॉर्म करते हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और दूसरी खास बात कि अब पास कीवर्ड क्या होता है, पास स्टेटमेंट क्या रूल होता है। देखिए, जब भी इंडेंटेशन मार्क आप यूज करते हैं तो आपको कोलन साइन के बाद स्पेस के साथ साथ ये देना जरूरी होता है, कम से कम एक लाइन का स्टेटमेंट होना मस्ट है। मतलब वी कैन नॉट लीव विदाउट बॉडी ऑफ द इंडेंटेशन मार्क्स। अगर आपने इंडेंटेशन मार्क बनाया तो आप बिना बॉडी को उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो इफ में हो, चाहे इल्स में हो, चाहे राइल में हो, चाहे फॉर में हो, चाहे फंक्शन में हो। तो हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में यही चीज देखने चल रहे हैं, किस तरह से हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको देखते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, ज्वाइन हो जाइए फटाफट। हम लोग पास स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल कर दिखाने चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए जी, ये प्रोग्राम एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, रिटर्न कर रखा है। तो आइए पहले तो हम आपको अच्छे समझाएंगे, रन तो एक सेकेंड में हो जाएगा प्रोग्राम। ये रहा, देखिए मैंने आपको, आज टॉपिक क्या है, पास स्टेटमेंट। आज का टॉपिक क्या है, पास स्टेटमेंट। आइए नीचे क्या लिखा हुआ है, पास स्टेटमेंट इज ग्रांट अ पासिंग परमिशन इनसाइड द इंडेंटेशन मार्क। बिल्कुल परफेक्ट लाइन लिखी गई है, सिन दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन, दे आर इंट्रोड्यूस अबाउट द पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट के बारे में कितना बढ़िया सा लाइन बताया गया है कि पास स्टेटमेंट जो पास होता है वो एक स्टेटमेंट होता है पैथन का, इज ग्रांट माने ग्रांट ऑफ पासिंग परमिशन, जो आपको मुहैया कराता है, आपको क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है इनसाइड द इंडेंटेशन मार्क। आपने जाना होगा या आपको मैंने अभी दो मिनट पहले आपको समझाया है कि अगर इंडेंटेशन मार्क लगाया है तो आप उसको ब्लैंक नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर बॉडी होना मस्ट है, और जाएंगे तो वहां बॉडी होना मस्ट है। बिना बॉडी अगर आप जाएं तो ऐसे में एरर जनरेट करता है, हमारा सिस्टम प्रोग्राम रन ही नहीं करता है। जी हाँ, तो चलिए इसके जानने के बाद अगली लाइन देखिए, यनो इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि रन टाइम वैल्यू हम लोग रिसीव करने के लिए इनपुट मेथड का यूज करते हैं, और आप ये भी जानते हो बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या रिसीव करता है, ट्रीट करता है पीवीएम, स्ट्रिंग करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ या इंट लगा क्या किए हैं, टाइप कास्टिंग। अच्छा जया जी, आपके पास में जो बैठे हैं अर्चिता जी बताएंगी कि ये इनपुट जो मेथड है ये आपने इंट किया है, अगर मुझे फ्लोट लेना हो तो क्या लगा दें, फ्लोट लगा दें। बिल्कुल सही, और इन फ्लोट दोनों स्वीकार करना हो, एक्सेप्ट कराना हो आपको, तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, यहाँ इंट और फ्लोट दोनों ले सकते हो तो क्या यूज करते हैं, जी हाँ इवेल मेथड होता है। चलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम छोटा सा बना के 2 मिनट का आपको भेज देंगे तो आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं, तो एक वैल्यू कीबोर्ड से रिसीव किए हो और यनो पे ले जाके रखे हो आप, इफ यनो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर यनो की वैल्यू बड़ी होती जीरो से तो इंडेंटेशन मार्क, इसी की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा जाए, देखो इसमें बॉडी है, इल्स के अंदर भी एक बॉडी है एक लाइन का, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक। चले फिर से मैंने क्या किया है, अभी मैं एक बार इसको पूरा समझा दूं उसके बाद आपको आउटपुट दिखाता हूं। पास स्टेटमेंट इन वाइल लूप, हमने आपको, अगर सर पास स्टेटमेंट का यूज तो नहीं कर रहे हैं आप, जबकि कमेंट में बता रहे हैं बार बार,
एक्चुअली बेटा विदाउट पासिंग पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको पास लगा के आपके सामने दिखाऊंगा। अब जरा देखिए फिर से आइए, अब क्या यहाँ पे हुआ है, आई इज इक्वल टू जीरो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू टेन और प्रिंट आई और आई प्लस प्लस। अब ये आपने देखिए, आप इसमें वन से लेकर जीरो से लेकर आप टेन तक एक काउंट प्रिंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप नीचे लाइन नहीं जाना चाहते तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इंड इंड होता है ना इसका पैरामीटर इंड, जी हाँ इंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में चला जाएगा, जैसे ही प्रिंट्स बाहर की ओर कंट्रोल जैसे जाएगा वो नई लाइन में प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पर इंड इज इक्वल टू क्या लगा दीजिए, एक सिंगल स्पेस दे दीजिए, चलिए या दो स्पेस दे देते हैं, क्या करना है, ठीक। तो अब ये जो आपको काउंट छपेगा आपके स्क्रीन पे, अभी देखिएगा तो वन टू थ्री फोर ऐसे ना हो, वन टू थ्री फोर ऐसे आपका हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा, ठीक है। और पासिंग स्टेटमेंट फॉर लूप में भी पास स्टेटमेंट बताएंगे, एक्चुअली में बताया किसी में नहीं है, पहले नॉर्मल आप प्रोग्राम देख लीजिए, जी हाँ। तो यहां भी आप क्या कर दीजिए, प्रिंट में यहां भी वही काम कर लीजिए, आप यहां कर दीजिए इंड इक्वल टू और यहां कर दीजिए एक स्पेस, ठीक है, चले कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं, यहां भी कर दें क्या, चलिए यहां भी कर देते हैं इंड और इक्वल टू और यहां भी दे देते हैं हम लोग दो स्पेस। प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं, पहले तो आप प्रोग्राम में आपसे एक वैल्यू मांगेगा जिसमें आप जो नंबर देंगे पॉजिटिव निगेटिव बताएगा, दूसरे वाले में आपसे कुछ नहीं मांगेगा, केवल एक से लेके जीरो से लेके और टेन तक आपको काउंट प्रिंट कर देगा। तीसरा वाला प्रोग्राम जो होगा इसमें भी जीरो जीरो से लेके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज क्या करता है जीरो से, और कहां तक चलता है कम तक चलता है, जीरो टू टेन आपको नंबर छप जाएगा और एक ड्रा हो जाएगी लाइन आपको। ये देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्राम रन करता है, रन करा के दिखाते हैं, प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन मॉड्यूल कह रहा है कि आप सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके सेव, जी हाँ, ये आपका आउटपुट आ गया। आपसे क्या मांग रहा है ये देखिए, आप विंडो को बिल्कुल बगल में रख लीजिए जिससे आपको क्लियरेंस बात में समझ में आ जाए। ये देखिए पहला वाला, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ छप गया है, यहाँ पे आपने कह दिया क्या देते हम लोग कोई नंबर, जैसे आप देते हो -9, इंटर कर दीजिए, क्या बता रहा है, इनपुटेड नंबर इज निगेटिव। अच्छा, यहाँ पे आप जीरो से नाइन तक हुआ है, फिर आपका टेन हुआ, लेकिन न्यू लाइन वहां पे ना देने की वजह से आपका सामने छप गया, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लें जिससे आपका आउटपुट सही आ जाए। तो हम बाहर जाएंगे या यहाँ जाएं, बिल्कुल यहाँ पे PRINT प्रिंट, प्रिंट में आप जाते हैं और क्या कर लेते हैं, प्रिंट में एक ब्लैंक लेना है ना आपको लाइन, ये देखिए प्रिंट आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ यही रूल यहाँ भी कर दीजिए PRINT प्रिंट, और यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, अब प्रोग्राम को रन करा लीजिए, फिर से रन करेंगे, कहेगा सेव कर लीजिए सोर्स फाइल, मैंने कहा यस, और आप देखिए इस बार आपको आउटपुट फिर से मांग रहा है, आपने दे दिया 5। पहली बात तो कह रहा है इनपुटेड नंबर इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही, 0, 1, 2 से लेके 10 तक छप रहा है आपका, ये रहा वाइल लूप का 0 से लेके 10 तक, और आप रेंज ऑपरेटर में 0 से बाय डिफॉल्ट चलता है तो 11 दे दिया तो वहां 10 तक चल गया, और ये देखो एक लाइन छप गई, ठीक है। लाइन कितनी है, 10 होगी रिपीटेबल, अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते, अगर ये 10 यहाँ तक हो गया तो 10 यहाँ तक, 20 हो गया, 30 हो गया, अगर यहाँ 34 दे दिया जाए तो नियर अबाउट हमें लगता है आपका वो बिल्कुल बराबर उसके लाइन के दिखेगा, फॉर्मेटिंग इससे लेना देना नहीं है। आपने दे दिया 5, जी हाँ बिल्कुल सही, ये देखिए एक लाइन बन गई, ये आपका रहा वाइल लूप से, ये रहा आपका इफ में इंडेंटेशन मार्क, ये आपका किसका रहा, ये रहा फॉर में इंडेंटेशन मार्क, ठीक। तीन प्रोग्राम बनाया है, आइए अब हम लोग एक एक को मिस करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें आइए, ये इसमें कुछ नहीं लिखते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग रन कराने की कोशिश करते हैं, जी हाँ कोशिश ही रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, ठीक। चलो तो अगर आपको ये सर मुझे नहीं कराना है, पॉजिटिव को नहीं देखना है, तो आपको नहीं देखना है तो आप क्या यूज करिए, पास करिए, अब इस प्रोग्राम को रन कराइए, अब इसका आउटपुट देखिए।
देखिए पास का क्या बेनिफिट हुआ, पास लगाने से एरर ना हुआ, आपका इस कंट्रोल में आ गया है, मतलब अभी सॉरी अभी नहीं आएगा ये फाइव के लिए। ये देखिए इंटर नंबर फाइव पॉजिटिव था लेकिन ऐसा पॉजिटिव कहा ही नहीं है तो ये इल्स में आया ही नहीं, डायरेक्ट यहां आ गया और इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए प्रोग्राम को फिर रन कराते हैं, आपको दिखाते हैं एक चीज, फिर रन करते हैं, इस बार निगेटिव वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं निगेटिव नाइन। अब क्या हो रहा है, इनपुटेड नंबर इज निगेटिव, इनपुटेड नंबर क्या बता रहा है निगेटिव बता रहा है और ये क्या कर रहा है वैल्यू दे रहा है, चूंकि वहां पॉजिटिव था अभी तक यही देख रहे हैं ना इंटर नंबर, लेकिन इसको पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताया था। आउटपुट देख लीजिए आपके सामने तो बहुत अच्छा आपका विंडो आ गई है जिससे आपको बहुत अच्छे से आउटपुट दिखता रहेगा। किसी स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन, इसी तरह से पास यहां लगा सकते हैं और पास यहां लगा सकते हैं। चलिए इस बार क्या करते हैं हम लोग, यहां से हटाते हैं इसको, कुछ नहीं रखते हैं इसको, और अगर आप रन कराने की कोशिश करते हैं इस तरह से तो क्या होगा जरा देखिएगा, ये एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आपने ऐसा कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप क्या यूज करिए, पास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए हम सबको ही आपको पास करके दिखा देते हैं, हटाइए इनको बिठाइए, यहां भी आप पास करिए, ओ मैंने फॉर लूप को बिठा दिया पूरा, क्या कंट्रोल जेड, चलो आ गया भाई, हमें ये हटाना है ना, हमें ये हटाना था पी ए एस एस, यहां कर लेना इंडेंटेशन रूल पहले तो वो होता है पास। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि ड्रा लाइन में भी आप हटा सकते हैं, देख लीजिए ड्रा लाइन के मैं बॉडी में गया और ये लाइन के स्थान पे मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको बैक स्पेस और यहां कर दे रहा हूं पास। प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रोग्राम को रन कराइए आप, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा है, प्रोग्राम रन कर गया। आपने देखा पास कीवर्ड क्या करता है, पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट आपको परमिशन देता है इनसाइड द इंडेंटेशन मार्क्स, इंडेंटेशन मार्क के अंदर भी आप जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं विदाउट बॉडी के, दैट्स ऑल। आई होप एवरी स्टूडेंट्स विल बी फुली कंप्लीटेड आर सेटिस्फाइड दिस पास स्टेटमेंट। आप इस पास स्टेटमेंट को लेकर सभी स्टूडेंट पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान की होंगे, आपको आया होगा कि हमें पास कीवर्ड अच्छे से आ गया सर, आई होम नहीं आई होप लिखा गया होगा यहाँ पे, आई होप यू आर स्टैंड्स अबाउट ए बी ओ यू टी अबाउट पास स्टेटमेंट। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको समझ में आ गया पास स्टेटमेंट, थैंक यू।